और दोस्त क्या हाल है? किस्मत बड़ी बड़ी कमाल की चीज होती है जो पल भर में गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना दे। किस्मत के आगे तो आज तक किसी की भी नहीं चली है। अगर आपकी किस्मत खराब है तो पेड़ पर भी कुत्ता काट के चला जाए, और अगर अच्छी हो तो तीन तीन बार बिजली गिरने पर भी इंसान बच सकता है। तो दोस्त, आज मैं आपको किस्मत के ऐसे चमत्कार बताऊंगा जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में तो हमने उन लोगों के बारे में बताया जिन्हें बिना कुछ करे करोड़ों का खजाना मिल गया। अंकल सैम का हीरा। आपने तो आज तक बहुत सारे पार्क देखे ही होंगे, बड़े छोटे सुंदर बेकार कई सारे देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा पार्क नहीं देखा होगा। क्रैटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, आर्किनसॉ का एक ऐसा अनोखा पार्क जहाँ पे दूर दूर से लोग सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने चले जाते हैं। सुनने में अजीब ही लग रहा है बड़ा, पर ये पार्क बहुत ही अनोखा है क्योंकि इस पार्क में कई सारे डायमंड्स हैं। इस जगह की खास बात तो ये भी है कि यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, और बारिश होने के कारण यानी कि पानी गिरने के कारण ये जितने भी डायमंड्स हैं ना जो जमीन के अंदर धंसे होते हैं, ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से ढूंढ सकता है। ये जगह इकलौती ऐसी जगह है जो सभी लोगों के लिए खुली है। यहाँ पर आपको अगर कोई भी डायमंड मिलता है तो वो पूरी तरीके से आप ही का होगा। ओए होए होए, सुनने में तो मजा ही आ गया। और दोस्त, हैरानी की बात बताऊं, इस जगह में तो 1906 से अब तक लगभग 75,000 डायमंड्स लोगों को मिल चुके हैं। ओ तेरे की, सोच के देखो, उनमें से जो सबसे कमाल का डायमंड था ना, वो था अंकल सैम डायमंड। उसे W.O. बैशमैन ने 1924 में ढूंढा, जिसका वजन लगभग 40.23 कैरेट था, और वो अमेरिका में पाया गया आज तक का सबसे बड़ा डायमंड था। ये हुई ना बात यार। और जब उसको बेचा गया ना तो सोचो उससे कितने पैसे मिले होंगे, लगभग 5,71,00,000 रुपए। महंगी पेंटिंग्स। अगर आप कभी अपने स्टोर रूम की सफाई करो तो इस बात का ध्यान जरूर देना कि वहाँ कहीं कोई ऐसी अनोखी चीज तो नहीं जिसे आप सोच तो रहे हो कि बेकार है, पर उसकी कीमत जो है वो आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा निकले। ऐसा ही कुछ इस फैमिली के साथ हुआ। जब 2016 में एक फ्रेंच फैमिली अपनी छत की लीकेज ठीक करा रही, तब जब वो उस टाइम सामान हटा रहे थे तो उन्हें वहाँ कैरावाचियो पेंटिंग मिली। कैरावाचियो? और जब उसे बेची तो ये पता चला कि उसकी कीमत थी 974 करोड़ रुपए। इस पेंटिंग का एक्चुअल नाम तो था जूडस बीहेडेड होलोफिन्स, और इस डिस्कवरी को यूरोपियन आर्ट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग बताया गया। और ऐसी एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में भी हुआ था, उसके घर में भी एक पेंटिंग मिली। उसने तो ये पेंटिंग अपने दीवार के छेद को छुपाने के लिए लगाई थी, लेकिन उसे एक बोर्ड गेम खेलते हुए ये रियलाइज हुआ कि भाई ये पेंटिंग तो वही है जो बोर्ड गेम में बनी हुई है, तो इसका मतलब ये पेंटिंग बहुत खास है। वही जैसे आप मोनोपोली खेलते हो ना, बिल्कुल वैसी ही बोर्ड गेम। ये होने के बाद जब उसने पेंटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी करी तो ये पता चला वो पेंटिंग मार्टिन जॉनसन की है। तो फिर वो उसे बेचने गया तो उसे म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ने $1.25 मिलियन में खरीद लिया। सोच के देखो, यानी कि 8,12,00,000 रुपए है ना, बहुत ही हिला देने वाली बात। तो आज कॉन्ट्रैक्टर ने उस छेद को अपने पैसों से भर रखा है। ये होती है ना किस्मत। बोल। 2006 में फिलीपींस का एक मछुआरा अपनी बोट से कहीं जा रहा था, और एक जगह उसकी बोट का एंकर फंसने के कारण वो समुद्र में कूदा ताकि वो उसे निकाल सके। लेकिन समुद्र में जब वो नीचे गया, उसे एक बहुत बड़ा सा पर्ल मिला। उसने कहा कि यार ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, तो उसने अपने पास रख लिया कि चलो ये बहुत ही गुड लक है। जब वो 10 साल बाद अपना घर बदलने लगा, तब उसने उस पर्ल को अपनी आंटी को दे दिया। जब आंटी ने वो पर्ल वहाँ के मेयर को दिखाया कि उसे वो डिस्प्ले के लिए लगा सके ताकि उन्हें उस पर्ल की असली कीमत का पता लग सके। ये पर्ल लगभग 1 फुट चौड़ा और लगभग 2 फीट लंबा था, और ये बहुत भारी भी था। और जब ये सब चीजें नापी गई और मेजर करी गई तो एंड में उसकी जो कीमत आई ना, वो 6.5 करोड़ आंकी गई। अब ये आंटी और मछुआरे में पक्का लड़ाई तो होने ही वाली। ईटी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। 1982 में बनाए गए एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल गेम यानी ईटी गेम ने एक इतिहास रच दिया है। जब ये गेम बनाया गया था तब तो इतना चला नहीं था, मतलब कह भी सकते हैं सबसे बकवास गेम था। जिसने भी ये गेम एक बार भी खेला वो पूरा फ्रस्ट्रेट ही हो गया। 2014 में एक डॉक्यूमेंटेरियन हार्वर्ड स्कॉट वाटो एक रेगिस्तान में जब खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें क्या मिला? ये बोरिंग सी ईटी गेम की कार्ट्रिज, जो कि वहाँ दबाई गई थी। ईटी गेम्स के मालिक ने इन कार्ट्रिजेस को वहाँ फिकवाया था क्योंकि कोई भी उसे खरीद ही नहीं रहा था, और अब उसकी कीमत अचानक से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो अब एक एंटिक बन चुका था।
और सोचो जब उस डॉक्यूमेंटेरियन ने उस गेम को बेचा तब वो 70 लाख रुपए की हो चुकी थी। तो मतलब आज अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जो आगे जाके मेमोरेबल हो जाए तो उसे पक्का संभाल के रखें, ना जाने कब वो आपको अमीर ही बना दे। हनुमान धोखा। 2011 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में बने एक महल में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये महल 16वीं सदी में राजा मल्ला ने बनाया था। इस महल में एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है और इसी कारण से इस महल का नाम हनुमान धोखा रखा गया। धोखा का मतलब है द्वार। अब मुझे लगता है इसका नाम तो बहुत ही सही रखा गया क्योंकि रेनोवेशन करते समय वहाँ कई ऐसे दरवाजे खुले जिन्होंने सबको चौंका दिया। महल की रेनोवेशन करते समय जब उन्होंने उसकी नींव ढूंढनी चाहिए तो उन्हें स्टोर रूम में 3 बड़े बड़े संदूक मिले जिसमें क्या रखा था, खजाने। और जब पूरे खजाने का वजन किया गया तो उसका वजन 661 पाउंड था और खजाने में कई सारे सिक्के और गहने पड़े जो भगवान को भेंट के रूप में चढ़ाए थे। इन 3 संदूकों में से केवल एक ही खोली गई जिसमें सोने और चांदी की चीजें थी जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है और बाकी संदूकों को तो इन्वेस्टिगेशन के बाद खोला जाएगा। लेकिन लोगों का तो मानना है कि इस महल के अंदर कहीं और राज और उनका ये कहना है कि महल में निधि भवन भी जिसमें बहुत सारे खजाने हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि महल की हालत खराब हो चुकी है इसलिए कई दरवाजों को खोलना मुश्किल है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे फैक्ट जिन्होंने लोगों को रातों रात अमीर बनाया। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी किस्मत चमके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बातें लाते रहते हैं।